हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के 12 दिन बाद आज यानी शुक्रवार से स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। इतना ही नहीं, हरियाणा राज्य परिवहन सेवाएं भी आज से पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी। 31 जुलाई को नूह में भड़की हिंसा कई इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। नूह के जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और इसे देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है, काफी दिन गैप हो गया है, बच्चे आए हैं और बच्चों की पढ़ाई का लॉस भी हो रहा था, अब हम प्रयास करेंगे उसको कंपनसेट कराए। स्कूल के किस तरीके से क्या? हमने सभी क्लासेस के क्लास ग्रुप्स बनाए हुए हैं और कंसर्न क्लास टीचर्स ने बच्चों को उस ग्रुप के माध्यम से सूचना दी है। एक कारण ये भी है कि नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चे शायद ग्रुप से देख नहीं पाए हैं, लेकिन जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको टेलीफोनिकली बताया गया है, उम्मीद है मंडे से जरूर आएंगे। नूह में आज से बैंक और एटीएम भी खोले जा रहे हैं, साथ ही लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है और किसी भी तरह के अफवाह से बचने का निर्देश दिया गया है। जैसे हमें प्रशासन के आदेश प्राप्त हुए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे खोल दिए गए हैं, पहले कम बच्चे आएंगे, फिर उन बच्चों को देख करके दूसरे बच्चे आने लगेंगे, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है ये बालिका विद्यालय है, लड़कियों का स्कूल है, 6 से लेकर के 12th तक है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे बच्चों को स्कूल आने के लिए कि वो स्कूल आए। यहाँ पर बच्चे इसलिए नहीं आए हैं कि इंटरनेट की सेवाएँ बंद हैं और स्टाफ तो कई दिनों से आ रहा है, सभी आया हुआ है पूरा। बच्चे तो शायद हमारे साथ सोमवार से स्कूल में आ पाएंगे, उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो जैसे पता नहीं लग पाया है। लेटर तो जारी हो गया था कल ही, हालांकि उपलब्ध नहीं हो पाया इंटरनेट की सेवा बंद होने की वजह से।